हम अति शीघ्र एंटीजन टेस्ट भी प्रारंभ करने जा रहे हैं और ये पहले चरण में हम लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर नगर, इन 5 शहरों में इसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। आशा वर्कर्स के द्वारा अब तक 18,03,327 प्रवासी कामगारों को ट्रैक किया जा चुका है और उनके लक्षणों के बारे में सूचना दी गई है, जिसके आधार पर जो भी प्रवासी कामगार लक्षणात्मक पाए जाते हैं उनके सैंपल लेकर के उसकी जांच की जाती है। अब तक उन्होंने 1,584 प्रवासी कामगारों को आइडेंटिफाई किया है, जिनमें कोई ना कोई लक्षण मिला है। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत 20,212 इलाकों में अब तक सर्वेलेंस की कार्रवाई की गई, जिसमें 6,881 हॉटस्पॉट और 13,331 नॉन हॉटस्पॉट के एरियाज हैं। 1,35,753 टीम दिवस के माध्यम से 1,41,622 घरों का सर्वेलेंस अभी तक किया गया है और इनमें 5,12,71,400 लोग रहते हैं। टारगेटेड सैंपलिंग जो हम कर रहे थे, हमने प्रारंभ किया था, वो लगातार वो काम हमारा जारी है। हम गाँव में जो माइग्रेंट वर्कर्स जहाँ आए थे उसका हमने किया था। उसके बाद हमने जो ओल्ड एज होम्स हैं, नारी निकेतन हैं, बाल गृह हैं, उसका किया था। फिर हमने जो अर्बन स्लम्स हैं उनका किया। फिर हमने जो अस्पताल हैं, सरकारी और निजी अस्पताल, उनके जो स्टाफ हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग की। आज हमारी रैंडम सैंपलिंग, टारगेटेड सैंपलिंग जो हम करते हैं, पूल टेस्ट करेंगे उस पर, वो जो वेंडर्स हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं, रोड साइड ढाबाज हैं, उनका आज रैंडम सैंपल किया जा रहा है। और जब उसके परिणाम आएंगे तो फिर आपसे हम उसको भी साझा बाद में करेंगे। इस प्रकार से हम ये लगातार प्रदेश में टारगेटेड रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं। जिन जो ग्रुप्स वल्नरेबल हैं या जो ग्रुप्स बहुत जिनमें हाई मोबिलिटी है, जिनके कि बहुत ज़्यादा लोगों के संपर्क में आने की संभावना रहती है और उनमें संक्रमण की संभावना भी रहती है, उनको हम लगातार उनकी हम जांच करवा रहे हैं। जांच के 2 उद्देश्य हैं। एक तो कि चूंकि इनमें संक्रमण की संभावना है तो तत्काल इनको इनकी पहचान कर ली जाए, इनका समय से इनका इलाज हो जाए। दूसरा इसका उद्देश्य यह है कि जो ये हाईली मोबाइल ग्रुप है या बहुत वल्नरेबल ग्रुप है, उसको इसके इस टारगेटेड रैंडम सैम्पलिंग के माध्यम से उसके बीच में ये जागरूकता बनाई जाए कि उनमें संक्रमण की संभावना ज़्यादा है, इसलिए उन्हें सावधान रहना चाहिए। इसी तरह से हम लोगों ने पहले जो प्रदेश के जेलें हैं, जेलों में भी हमने रैंडम सैम्पलिंग करवाया था। तो जहाँ भी क्लोज स्पेसेस हैं या जहाँ भी लोग हाईली मोबाइल हैं, वहाँ पर हम लोग टारगेटेड रैंडम सैम्पलिंग लगातार करवा रहे हैं। कोविड हेल्प डेस्क बनाने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी का द्वारा दिया गया है और उस क्रम में जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर हमारे कोविड हेल्प डेस्क अधिकांश जगह पर बन के प्रारंभ भी हो गए हैं। और हर एक कोविड हेल्प डेस्क पर एक इंफ्रारेड थर्मामीटर और एक पल्स ऑक्सीमीटर दिया जा रहा है। जो भी व्यक्ति लक्षणों के आधार पर, हर एक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग और ज़रूरत पड़ने पर उसकी पल्स ऑक्सीमेट्री की जाएगी। पल्स ऑक्सीमीटर का जब आप प्रयोग करते हैं, क्योंकि सभी कार्यालयों में भी, जो प्रमुख कार्यालय हैं जहां बहुत लोग आते हैं, वहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्देश हुआ है कि वहां भी कोविड हेल्प डेस्क बनाया जाएगा और वहां पर भी वो इंफ्रारेड थर्मोमीटर और पल्स ऑक्सीमीटर रखेंगे। तो पल्स ऑक्सीमीटर का जब हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये लोगों की उंगली में लगाया जाता है, तो इसलिए जब एक व्यक्ति के बाद जब दूसरे व्यक्ति को लगाया जाए तो उसको पहले अच्छे से डिसइन्फेक्ट कर लेना चाहिए। तो ये प्रोटोकॉल हमने सभी को लिख के दिया है। हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग जानते हैं, लेकिन जो अन्य विभागों में जहाँ कोविड हेल्प डेस्क बनने वाला है, उनको भी हम ये लिखित भी ये हम उनको सुझाव दे देंगे, गाइडलाइन देंगे, लेकिन उनको ये इसके माध्यम से भी, आपके माध्यम से भी हम अवगत करा रहे हैं और लोगों को भी अवगत करा रहे हैं। जिन लोगों की भी पल्स ऑक्सीमीटर लगाया जाए, उनको भी ये देख लेना चाहिए कि उनको लगाने के पहले इसे डिसइन्फेक्ट कर लिया गया है।
चूंकि अभी तक इस संक्रमण की कोई वैक्सीन नहीं है और हम ये लगातार देख रहे हैं कि ये तेजी से बढ़ता है, तेजी से फैलता है, तो सावधान रहकर, सतर्क रहकर हमें अपना बचाव इस संक्रमण से करना है। और इसके लिए जब भी हम सार्वजनिक स्थलों में जाएं तो हम अपने मुंह और नाक को ढकें, मास्क से ढकें, रुमाल से ढकें, दुपट्टे से ढकें, गमछे से ढकें, लेकिन हम और मुंह और नाक को हम अपने ढक कर रखें और 2 गज की दूरी हम मेंटेन करें। तो 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, इस नारे को याद रखेंगे तो आप सावधान रह करके, सतर्क रह करके संक्रमण से बचेंगे। और इसके अलावा अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से धोते रहना या सैनिटाइजर से साफ करना, जिससे कि आपके हाथ पर कोई भी वायरस न रहे, न टिके और उस आपके हाथ के रास्ते आपके शरीर में न जाए। तो कुछ सावधानियों का को ध्यान में रख करके और सतर्कता बरत करके इस संक्रमण से हम बच सकते हैं और फिर हम अपने परिवार को भी और अपने मित्र, इष्ट मित्रों को, सगे संबंधियों को भी हम संक्रमण से बचा सकते हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचिए, खुद भी बचिए, दूसरों को बचाइए और पूरे प्रदेश में इस प्रकार से एक आंदोलन चला करके, सावधान सतर्क रहने का आंदोलन चला करके पूरे प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित रखिए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोविड 19 की समीक्षा बैठक और उसके रोकथाम के लिए टीम 11 की बैठक की। मुख्यमंत्री जी ने यह आदेश दिया है कि जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी हर जिले में एक बृहद अभियान जो है स्क्रीनिंग का चलाएं और इस बृहद अभियान के तहत चिकित्सा विभाग को और सभी फील्ड के अधिकारियों के निर्देश दिया है कि इसकी कार्य योजना बनाते समय 1 लाख टीमों को जो है कम से कम 1 लाख टीम गठित करके इस पूरे अभियान को, स्क्रीनिंग को चालू किया जाए। स्क्रीनिंग में जो भी लोग संदिग्ध पाए जाएं उनके तुरंत उनको जो है चिकित्सा और उनके उपचार के लिए व्यवस्था की जाए। आप सब जानते हैं कि स्क्रीनिंग में इंफ्रारेड थर्मामीटर, स्क्रीनिंग में पल्स ऑक्सीमीटर, स्क्रीनिंग में पूरा सावधानी बरतते हुए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। तो इस पूरी व्यवस्था और इस अभियान को चलाने के लिए उन्होंने निर्देश आज दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ये जो स्क्रीनिंग का कार्य करने का आदेश दिया है, इस पे ये कहा है कि पूरा ज्योग्राफिकली पूरा एरिया कवर हो जाए, यानी मैप ऐसा बने कि हर घर जो उस क्षेत्र में पड़ता है, उस गांव में पड़ता है, वो कवर हो जाए। शहरी क्षेत्र है तो पूरा वार्ड कवर हो जाए। ये निर्देश उन्होंने दिए हैं और ये कहा है कि स्क्रीनिंग ऐसी हो जो प्रभावशाली हो, केवल कहने सुनने मात्र पर ना हो, एक्चुअली जो है टेम्परेचर लिया जाए, बहुत जल्दी लिया जा सकता है, एक्चुअली ऑक्सीजन कंटेंट लिया जाए। ऑक्सीजन कंटेंट अक्सर जो बहुत मरीज ऐसे होते हैं जो एक क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, उनका ऑक्सीजन काफ़ी कम हो जाता है बॉडी में और तुरंत नापा जा सकता है, तो ऐसे लोगों को जो है चिन्हित करके आगे लाया जाए। ये बृहद अभियान चिकित्सा विभाग ने चला रखा है, अब इसको व्यापक रूप से और 1 लाख तक की जो है टीमों को गठित करने का निर्देश आज दिया उन्होंने। दूसरा निर्देश उन्होंने ये दिया है कि जो कोविड हेल्प डेस्क बनाने का स्वास्थ्य विभाग ने आदेश दिया है, हर जनपद में, हर चिकित्सालय पर, पीएचसी पर, सीएचसी पर, एडिशनल पीएचसी पर, जिला चिकित्सालय पर, निजी अस्पतालों में, ब्लॉक पर, थाने पर, तहसीलों पर, जिला कार्यालयों पर, कहीं भी कोई बड़ा प्रतिष्ठान है तो वहाँ एक कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाए, प्रचार अच्छा किया जाए, वहाँ पर इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अगर कोविड हेल्प डेस्क पर जाता है तो तुरंत उसको जो है राहत दी जा सकती है और उसको उसके बारे में, लक्षणों के बारे में बताया जा सकता है। कोविड हेल्प डेस्क पर जिन लोगों की ड्यूटी लगाई जाए वो सुबह से रात तक ड्यूटी रहे और उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि वो बहुत जल्दी ही जो है लोगों का परीक्षण कराकर उनको आगे ले जा सकते हैं। कोविड हेल्प डेस्क के लिए उन्होंने डीजीपी साहब को और मुझे आदेश दिया है कि कुछ जगहों पर हम लोग खुद जाकर देखेंगे। प्रत्येक जनपद में सूचना विभाग को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो उनके सूचना अधिकारी
जो भी कोविड हेल्प डेस्क के फोटो है वो ट्वीट करके उसकी जो है व्यापक प्रचार प्रसार की कार्रवाई सुनिश्चित करें। डीएम्स को भी कहा है कि बड़ा सा बोर्ड लगा दें जहां भी कोविड हेल्प डेस्क है, और हर जनपद में अगले दो दिन में यानी बुधवार तक हर हालत में कमिश्नर्स और डीएम्स कोविड हेल्प डेस्क सुनिश्चित करा लें। मुख्यमंत्री जी ने टेस्टिंग की क्षमता को 25,000 करने का आज पुनः विस्तृत विचार विमर्श किया। आईसीएमआर से सहयोग लेने के लिए आदेश दिए। वैकल्पिक टेस्टिंग की व्यवस्था के लिए जैसा कि चिकित्सा शिक्षा के एसीएस साहब ने बताया कि एंटीजन का नया टेस्ट कोरिया से आया है, ये भारत सरकार ने भी और कुछ अन्य प्रदेशों ने भी शुरू किया है, हमारे प्रदेश ने भी अग्रणी इसमें रोल लेकर मुख्यमंत्री जी ने कहा इसको तुरंत जो है फील्ड में लगाया जाए, तो किट्स जो है अब बहुत जल्दी हमारे प्रदेश में भी शुरू हो जाएंगे जिससे ये पता लग जाएगा कि फला व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है या नहीं। मुख्यमंत्री जी ने विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को पुनः फील्ड में भेजने का निर्देश दिया है जिससे कि जिलाधिकारियों का सहयोग मिल सके, अस्पतालों का निरीक्षण हो सके और कोविड हेल्प डेस्क और ऐसी पूरी व्यवस्था जो है उसकी समीक्षा हो सके। 11 जनपदों में जो वरिष्ठ नोडल अधिकारी भेजे गए थे उनकी रिपोर्ट शासन में प्राप्त हो गई है। मुख्य सचिव महोदय और बाकी सभी वरिष्ठ अधिकारी उनका परीक्षण करके समीक्षा करके जो सुधारात्मक कार्य करना है ये निर्देश जल्दी ही दिए जाएंगे। अस्पतालों में भर्ती रोगियों को निश्चित समय में दवा पानी और भोजन मिले ये निर्देश हैं, और होल्डिंग एरिया में 15 मिनट से ज़्यादा ना रहे, यानी जहाँ भी होल्डिंग एरिया होता है जहाँ उनको टेस्ट करके आगे भेजा जाना होता है वहाँ 15 मिनट से ज़्यादा ना रहे, ये मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, इसका क्रियान्वयन फील्ड में किया जाना है। जो भी अस्पताल हो उनमें सुरक्षात्मक उपकरण पीपी मास्क किट्स ग्लव्स बाकी सब चीज़ों को अभी निश्चय ही जो है कार्रवाई करने का निर्देश उन्होंने दिया है। उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि जो हमारी पीएसी है जहां एक दो जगह संक्रमण पाया गया है, विशेष रूप से पीएसी जो अपने बैटालियन से बाहर है उन पीएसी को प्रॉपर खाली भवनों में सुरक्षित भवनों में जहाँ शौचालय और अच्छी सुविधा हो, एडीजी पीएससी को निर्देशित किया है कि पीएससी को एक प्रॉपर स्थानों पर पूरे प्रदेश में रखा जाए जिससे कि उनके बीच संक्रमण की कोई संभावना ना रहे। मेरी ओर से भी गृह विभाग की ओर से भी जल्दी ही आज ही जिलाधिकारियों को निर्देश जाएगा कि वो पीएससी को अपने एक प्रॉपर और सुरक्षित स्थानों में स्कूल के भवनों में अन्य ऐसे भवनों में जरूर शिफ्ट कर दें। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जागरूकता अभियान को बढ़ाने की जरूरत है, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से लगभग जो है 60-65% लोग अब उपचारित होकर जो है पुनः स्वस्थ हुए हैं, तो उपचार की प्रतिशत प्रदेश में बहुत अच्छी है, आगे और बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में लोगों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। केवल मास्क पहनना है जरूरी, दो गज की दूरी मास्क पहनना है जरूरी, दोनों चीज जरूरी है, मास्क भी पहने दो गज की दूरी रखें। यदि किसी भी व्यक्ति को आप जो है दूरी रखेंगे तो संक्रमण की संभावना लगभग नगण्य रहेगी, यही इसका मूल मंत्र है। इसको और अधिक जो है प्रचारित करने के लिए सूचना विभाग हर जनपद में बड़े बड़े पोस्टर्स पूरे विवरण के साथ भेज रहा है और संबंधित जिलाधिकारियों को फील्ड के अधिकारियों को पोस्टर्स भेजकर होर्डिंग भेजकर प्रचार करके रेडियो में प्रचार करके हम हर FM रेडियो के हर चैनल पर प्रदेश में प्रचार करेंगे। 9 बार प्रचार जो है FM चैनल्स पर प्रदेश में होगा जिसके माध्यम से कोविड और कोविड से बचने के लिए क्या लोगों को रास्ता अपनाना चाहिए, कैसे एक गृहिणी कोविड से बच सकती है, कैसे दुकानदार कोविड से बच सकते हैं, कैसे जो है जो कार्यालय लोग जा रहे हैं वो कोविड से बच सकते हैं, कैसे वरिष्ठ नागरिक जन कोविड से बच सकते हैं, कैसे जो है अगर 2-व्हीलर पर कोई जा रहा है तो वो कैसे कोविड से बच सकता है, कैसे जो है मंडियों में लोग अगर जा रहे हैं तो सब्जी कैसे खरीदे और सब्जी को कैसे धोकर रखे, कैसे उनसे बच सकते हैं कि मंडी से जो सब्जी ला रहे हैं उनमें कहीं कोई इन्फेक्शन ना हो, कैसे अपने घर में बर्तनों को धोए जिससे कि कोविड जो है ना फैले ये बताया जा सकता है, कैसे मास्क लगाए, किस तरह का मास्क लगाए, मास्क को कैसे धोएं और कैसे साफ करें जिससे उसको रीयूज किया जा सकता है, इस प्रकार की जो है डिटेल रेडियो चैनल्स के माध्यम से और विजुअली भी जो है टेलीविजन के माध्यम से प्रचारित करने का मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। बहुत जल्दी ही ये प्रचार हमारे प्रदेश में चालू हो जाएगा। जहां तक अटल भूजल योजना का सवाल है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी ने
ये निर्देश दिया है कि बरसात के मौसम में चेक डैम, जो बंधी तालाब आदि, इनको खोदकर इनमें पानी के जल संरक्षण के और साथ साथ वनीकरण के कार्य को भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। गौवंश में इस समय खुरपका और मुंहपका रोग जो है इस बरसात के मौसम में, विशेष रूप से जब गर्मी रहती है, ये रोग फैलता है, इससे बचाव के लिए निर्देश दिया है कि टीकाकरण की कार्रवाई व्यापक रूप से की जाए। सड़कों पर व्यापक रूप से जो है निगरानी पुलिस द्वारा की जा रही है, फिर भी कुछ सड़क की दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सप्रेसवे पर भी कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको समीक्षा करें, कैसे हम और दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, कैसे यदि दुर्घटना हो जाती उपचार को और तेज कर सकते हैं, ये निर्देश भी उन्होंने दिए हैं और इसके लिए भी हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। दुर्घटनाओं से लोग बच सकें, सावधानी बरतें, ड्राइवर्स को कैसे जो है उनको ये शिक्षा दी जा सकती है, कैसे उनको ट्रेन किया जा सकता है, कैसे उनको अवेयर किया जा सकता है, इसके लिए भी एक निर्देश उन्होंने परिवहन विभाग और पुलिस विभाग को दिए हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति में जीरो टॉलरेंस है, किसी भी रूप में कहीं भी लूट की घटना ना हो। कुछ जगहों पर जहां भी लूट की घटना हुई है, पुलिस ने लगातार दबिश देकर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके जहां भी प्रदेश में लूट की घटना हुई है वहां जो है सफलता हासिल करते हुए लूट की सामग्री या लूट की कैश भी बरामद किया, कार्रवाई भी की है। आगे लूट की घटना हो ही ना, बैंकों के एटीएम्स के बारे में निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि बैंकों के एटीएम्स के बारे में बैंकों से समन्वय बनाकर उनको और सुरक्षित रखा जाए, वहां सुरक्षाकर्मी रहे, सीसीटीवी रहे और वहां पर ग्राउटिंग प्रॉपर रहे, जिससे कि एटीएम्स को कहीं भी कोई किसी तरह का नुकसान न पहुंचा सके। पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए, अवैध असलाहों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए और इसके साथ साथ कहीं भी कोई भी किसी भी रूप में यदि कोई अपराध महिलाओं के प्रति कहीं है तो वहां सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश उन्होंने दिया है। गंभीर अपराधों के फॉलोअप के लिए हर जिले में 30 जून तक मॉनिटरिंग सेल की कमेटी संबंधित डीएम और एसएसपी अपने माननीय जिला जज की अध्यक्षता में करते हैं। अपने जिला जज से अनुरोध करके मॉनिटरिंग सेल की कमेटी डीएम एसएसपी को निर्देशित किया गया है कि जो भी मुकदमे हैं उनके शीघ्र निस्तारण के लिए, प्रभावी पैरवी के लिए वो बैठक भी जल्दी आयोजित करें। मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं उसी के क्रम में हम ये कहना चाहेंगे कि अब तक जो है कुल मिलाकर 406.99 करोड़ कोविड केयर फंड में, उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड में आ चुका है। ये जो धनराशि आई है वो सीएम रिलीफ फंड से प्राप्त 214.80 करोड़ है और पब्लिक कंट्रीब्यूशन से 192.19 करोड़। मुख्यमंत्री योगी पूरी नजर बनाए हुए हैं इस कोरोना की स्थिति में, शहर से लेकर गांव तक सूचना विभाग भी अलर्ट मोड पर है। टेस्टिंग क्षमता 25,000 करने के निर्देश दिए गए, पहले 15, 20 और 25,000 सूचना विभाग को भी कोविड हेल्थ डेस्क बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी द्वारा कोविड हेल्थ डेस्क हर जिले में बने,